राघव वर्सेस नेशन की लड़ाई चली हुई है, जहां पर हर कोई राघव के इस वक्त खिलाफ है कि भाई इसको जेल जाना चाहिए, इसको शो से निकाल देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपने अभी तक देखा है बॉलीवुड से किसी एक बंदे की भी पहल हुई हो कि वी आर विद राघव? उस वक्त हंसने वालों की तादाद में मैं आपको बता दूं, माधुरी दीक्षित ने थी बहुत बड़े आर्टिस्ट, और यहां पर धर्मेश शोलंडे थे बहुत बड़े आर्टिस्ट, रेमो डिसूजा थे उस शो में बहुत बड़े आर्टिस्ट, लेकिन नोबडी इज रेजिंग वॉइस, कोई भी राघव के साथ अपनी आवाज नहीं मिला रहा। ऐसा क्यों? राघव धर्मेश तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर भी कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल रहा। देखिए मामला मैं आपको बता देता हूँ, एक शो से निकलकर कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी से निकलकर पूरे नेशन का मसला बन चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कि दूसरी साइड से हैं, खाली नॉर्थ ईस्ट से कमेंट नहीं आ रहे, पूरे इंडिया से कमेंट आ रहे हैं कि राघव शुड बी बिहाइंड द बार्स, राघव को जेल जाना चाहिए, राघव के साथ ये कर दो वो कर दो। लेकिन अच्छी बात यही है, जो लोग फेवर में है वो भी कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमने पूरा शो देखा है। लेकिन इसी बीच एक भी खबर ऐसी नहीं आई है जहां धर्मेश ने बोला हो, जहां माधुरी दीक्षित ने बोला हो, जहां पे दूसरे जजेस ने बोला हो, जहां रेमो ने बोला हो, जहां पुनीत पाठक ने उनका सपोर्ट लिया हो, जहां शक्ति मोहन ने इनका सपोर्ट लिया हो, जहां दूसरे डांसर्स कम्युनिटी में से किसी ने इनका सपोर्ट लिया हो, या फिर होस्ट कम्युनिटी से कोई आया हो, जैसे कि मनीष पोल है, ही इज अ ग्रेट होस्ट, वो भी बहुत सारी मजाक करते हैं। फिर आपके पारितोष त्रिपाठी आ गए, ऋतिक धनजानी आ गए, करण आ गया, किसी ने अब तक कुछ भी नहीं बोला है इसके बारे में कि वी आर विद राघव ऐसे होस्ट को करना पड़ता है। तो भाई मैं मेन मसला आपको बता देता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं दे हैव टू रन देयर हाउस, भाई घर तो चलाना ही है कि नहीं है। अगर कोई इस मसले में आता है तो सबको पता है, एक बार पारा थोड़ा और चढ़ा, एक बार बायकॉट की लिस्ट आई, एक बार पब्लिक ने अगर ये स्टार्ट कर दिया कि हम इनकी वीडियोस को डिसलाइक करेंगे, हम इनकी वीडियोस देखेंगे नहीं, तो भाई बहुत भारे दंगे हो जाने। ये ऐसे गॉडफादर वाले लोग नहीं है। अगर आप धर्मेश को देख लो, आप शक्ति को देख लो, आप पुनीत को देख लो, आप और किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, उनके कोई गॉडफादर नहीं इंडस्ट्री में, सो दे आर नॉट इन टू दिस राघव वर्सेस नेशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको घर जाना होता है, उनको और भी बहुत काम करने होते हैं, और ये बात राघव को भी अच्छे तरीके से पता है। ना ही कलर्स इस कंट्रोवर्सी में कूद रहा है, ना ही सोनी, क्योंकि भाई सबको पता है पब्लिक अगर चैनल ही नहीं देखेगी तो क्या किया जाएगा, अगर आर्टिस्ट ही नहीं आएंगे एक स्पेसिफिक जगह से तो शो कैसे चलेगा। तो भाई हर इंसान हर चैनल अपने आप को बचा रहा है, और सबको पता है कि भाई राघव के लिए खेल नया नहीं है। जब गवर्नमेंट ने नए रूल चलाए थे उसके ऊपर भी राघव भड़के थे, लगभग गवर्नमेंट की हर एक बात पर राघव भड़कते रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज में आते रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन राघव खुद भी नहीं चाहते होंगे कि भाई ये लोग बोलकर फंसे, क्योंकि भाई जिस तरीके का राघव का माइंडसेट है और किसी का नहीं है, और राघव शो की ऐसी कड़ी है कि उनके बिना शो करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे शोज फ्लॉप हो जाएंगे अगर राघव उनमें नहीं होंगे, बाकी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनके बिना शो फ्लॉप हो जाएगा, मतलब कि शो तो होगा ही, लेकिन अगर राघव नहीं होता तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, जिसके चलते राघव ले लेते पंगे कि भाई मेरे को तो कौन ही काम नहीं देगा, कहीं ना कहीं तो काम कर ही लेंगे, टीवी पर नहीं तो भाई बड़े पर्दे पर, और बड़े पर्दे वालों को तो वैसे ही टेंशन नहीं रहती कौन कितना लाइक कर रहा है, कौन कितना हेट कर रहा है। तो बस दिस इज द रीजन आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग, कि बस यही एक कारण है, नहीं तो भाई अब तक जितने भी आर्टिस्ट हैं राघव के साथ के, वो सारे के सारे डांस कम्युनिटी के सारे बंदे राघव की सपोर्ट में आ जाते। बाकी आप किस मसले पर क्या राय है यार, ये भी जरूर बताना, आप क्या सोचते हैं क्यों ये लोग नहीं आ रहे हैं, कब तक चुप रहेंगे ये लोग। बाकी चैनल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिल जाए। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।